दोस्तों आज हम एटीएम फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किसी बैंक के एटीएम का फ्रेंचाइज कैसे लिया जाता है और इस बिजनेस को करना कितना फायदेमंद है। हमारे देश में हर 1,00,000 लोगों पर मात्र 16 एटीएम मशीन है, जो कि काफी कम है। वहीं एटीएम मशीन का उपयोग हर इंसान करता है और ये लोगों की एक जरूरत है। इसीलिए एटीएम फ्रेंचाइज का बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ये आपको एक अच्छा खासा रेगुलर इनकम देता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एटीएम फ्रेंचाइज कैसे लिया जाता है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें कितनी अर्निंग होती है, इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आज के हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन बताए हैं। ऐसा हो सकता है कि जिस समय आप फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई कर रहे हो तब कुछ रूल्स और टर्म्स चेंज हो जाएं। दोस्तों एटीएम का फ्रेंचाइज आपको कोई बैंक नहीं देता है। बैंक वालों ने एटीएम के फ्रेंचाइज देने का काम थर्ड पार्टी एजेंसीज को दे रखा है, जिसमें प्रमुख नाम है टाटा इंडिकैश, हिताची, मुथुत एटीएम, इंडिया वन एटीएम। टाटा इंडिकैश इन सब में सबसे बड़ी कंपनी है और पूरे इंडिया में उनके सबसे ज्यादा एटीएम्स हैं। टाटा इंडिकैश 2,00,000 रुपए के सिक्योरिटी डिपॉजिट पर आपको किसी भी बैंक का एटीएम फ्रेंचाइज देती है। ये 2,00,000 रुपया रिफंडेबल भी है, मतलब 1 साल के लॉकिंग पीरियड के बाद अगर आप बिजनेस से एग्जिट करते हैं तो आपको ये वापस मिल जाता है। इसके अलावा आपको 3,00,000 का डीडी बैंक को देना पड़ता है, जो बैंक आपके ही करंट अकाउंट में वापस कर देती है और आप उस पैसे का यूज एटीएम में कैश डिपॉजिट के लिए करते हैं एज ए वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फ्रेंचाइज मॉडल काम कैसे करता है। इस तरह के फ्रेंचाइज मॉडल में टाटा इंडिकैश आपके रेंटल या आपके ऑन साइट पे, मतलब जगह पे एटीएम मशीन इंस्टॉल करती है और उस एटीएम मशीन पे जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उसके बदले में आपको कमीशन पे करती है। मतलब हर कैश विड्रॉ पे आपको 8 रुपए मिलते हैं और हर नॉन कैश ट्रांजैक्शन पे आपको 2 रुपए मिलते हैं। यहाँ नॉन कैश का मतलब ये होता है कि किसी ने एटीएम मशीन पे अपना बैलेंस चेक किया, किसी ने एटीएम मशीन से अपना मिनी स्टेटमेंट निकाला, किसी ने वहां पे पिन रिसेट किया, उसके आपको 2 रुपए मिलेंगे पर ट्रांजैक्शन के। यहाँ पर आपकी रिस्पांसिबिलिटी ये होती है कि आप रेगुलर बेसिस पर एटीएम मशीन में कैश डालते रहेंगे जब भी मशीन के पैसे खत्म हो जाएं या फिर खत्म होने वाला हो। ये कैश डिपॉजिट आप बैंक को दिए गए 3,00,000 रुपए के वर्किंग कैपिटल से करते हैं, जो कि आपके करंट अकाउंट में डिपॉजिट होता है। जैसे जैसे एटीएम से पैसा विड्रॉ होता जाता है, वैसे वैसे ही बैंक आपके करंट अकाउंट में वो पैसा वापस डालता जाता है और आपका कमीशन भी देता जाता है। तो आइए जानते हैं कि टाटा इंडिकैश और आपकी क्या क्या रिस्पांसिबिलिटी होगी। तो एटीएम मशीन को इंस्टॉल करना और उसका सारा खर्च टाटा इंडिकैश देखेगी, साइट की ब्रांडिंग इंडिकैश देखेगी, एनुअल मेंटेनेंस AMC इंडिकैश देखेगी, पेमेंट ट्रांजैक्शन का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकैश देखेगी और सेकेंड लाइन मेंटेनेंस यानी कि कोई अगर बड़ा फॉल्ट हो गया तो वो इंडिकैश देखेगी। यहाँ आपकी जिम्मेदारी साइट को कंस्ट्रक्शन देना है, साइट का रेंटल का पेमेंट आपको टाइम पे देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट आपको करना है, कैश को लोड करना एटीएम मशीन में आपका काम है। फर्स्ट लाइन जो मेंटेनेंस होती है वो आप देखेंगे, मतलब कि जो छोटा मोटा फॉल्ट हुआ वो आप देखेंगे, और साइट की अदर मेंटेनेंस जैसे साफ सफाई, इलेक्ट्रिसिटी, CCTV कैमरा, इन सब की जिम्मेदारी आपकी है। तो आइए जानते हैं कि एटीएम फ्रेंचाइज के बिजनेस में हमारी कमाई कितनी होगी। नीचे दिए टेबल में आप 3 सिनेरियोस को देख सकते हैं, एक है नॉर्मल, दूसरा गुड और तीसरा बेस्ट। मैंने ये 3 तरह का सिनेरियो लिया है क्योंकि कोई भी बिजनेस कभी एक जैसा नहीं चलता है, इसलिए हमें हर तरह के सिनेरियो को जरूर चेक करना चाहिए। तीनों ही सिनेरियो में हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो करीब 5,00,000 का होगा, जिसमें 2,00,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट और 3,00,000 का वर्किंग कैपिटल है। अगर हम नॉर्मल सिनेरियो को देखें तो पर डे की जो मिनिमम ट्रांजेक्शन होगी यहाँ वो होगी 250, जिसमें 65% हमारा कैश ट्रांजेक्शन होगा जो 163 हो गया और 35% हमारा नॉन कैश ट्रांजेक्शन होगा जो 88 हो गया। इंडिकैश हमें 8 रुपया देता है पर कैश ट्रांजेक्शन का, इस हिसाब से हमारी पर डे की जो अर्निंग हुई कैश ट्रांजेक्शन की वो हुई 1304 और हमें 2 रुपए मिलते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन के, तो हमारी पर डे की जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन से अर्निंग हुई वो हुई 176, मतलब हम यहाँ 1475 रुपीस पर डे अर्न कर रहे हैं और एक महीने में हम 44,250 रुपीस अर्न करते हैं और हमारी ईयरली जो अर्निंग हुई वो हुई 5,31,000। अब आइए एक्सपेंस को देखते हैं कि हमारा खर्चा कितना होता है।
अगर आपका स्पेस खुद का है तो आपका कोई खर्चा नहीं है स्पेस के लिए, अदरवाइज आपको इसे रेंट लेना होगा। तो 50 स्क्वायर फुट के रेंटल के लिए आपको कम से कम 10,000 रुपए देना पड़ेगा, आपको इससे कम भी देना पड़ सकता है, डेट डिपेंड्स ऑन सिटी टू सिटी। मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होगी वो होगी 1000 रुपीज। सिक्योरिटी गार्ड जो आप रखेंगे उसकी सैलरी होगी 15,000, जो वेरी कर सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। तो आपका मंथली एक्सपेंस जो हो गया वो हो गया 26,000। इस हिसाब से आपकी जो मंथली नेट प्रॉफिट हुई वो हुई 18,250 रुपीज, और आपका जो ईयरली नेट प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2,19,000। अगर हम ROI को देखें तो आपको यहाँ 44% का रिटर्न मिल रहा है, मतलब आपने 5,00,000 रुपया लगाया जिसने आपको एक ही साल में 2,19,000 का रिटर्न दिया। अगर हम गुड सिनेरियो को देखें तो यहाँ पे हमारी जो मंथली अर्निंग हो रही है वो हो रही है 61,950 रुपीज, हमारा जो एक्सपेंस है वो फिक्स है 26,000, और इस हिसाब से जो हमारी मंथली नेट प्रॉफिट हो रही है वो हो रही है 35,950 रुपीज, और हमारा ईयरली नेट प्रॉफिट 4,31,400 का है। यहाँ पर जो हमारा ROI है वो है 86% का। अगर हम बेस्ट सिनेरियो को देखें, यहाँ पर हमारा डेली ट्रांजेक्शन 500 का है, यहाँ पर जो हमारी मंथली अर्निंग हो रही है वो हो रही है 88,500, और हमारा जो नेट प्रॉफिट मंथली निकल के आ रहा है वो है 62,500, और हम यहाँ पे साल में 7,50,000 रुपया कमा रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारा ROI है वो है 150% का। एज पर द बैंक डेटा, लोकेशन वाइज आपके ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा हो सकते हैं। बेस्ट सिनेरियो में पर डे का जो ट्रांजेक्शन होता है वो करीब 1,200-1,300-1,500 तक भी जाता है। सिर्फ एक ATM मशीन आपको इतनी अर्निंग दे रही है, अगर आपने एक से ज्यादा ATM मशीन लगा लिए तो आपकी अर्निंग मल्टीपल्स हो जाएगी। इंडिकैश के थ्रू फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको उनकी वेबसाइट पे जाना होगा, जहां आपको खुद को इनरोल करना होगा। इनरोल करने के लिए वो आपसे बस बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका लोकेशन, सिटीज। इसके बाद आपको एक मेल आता है जिसमें कि वो आपके साइट के लोकेशन मांगते हैं जहां पर कि आप ATM मशीन लगाना चाहते हैं। आपको उस साइट लोकेशन का फ्रंट, अपोजिट, लेफ्ट, राइट साइड का फोटो भेजना होगा, और एक मिनट का वीडियो तैयार करना होगा 360 व्यू वाला, जहां पर कि आप ATM मशीन लगवाना चाहते हैं। फिर इसके बाद उनकी एक सर्वे टीम आती है उस लोकेशन को चेक करने के लिए। ये लोग उस जगह को ATM फ्रेंचाइज देने के लिए सिलेक्ट करते हैं जहां कम से कम डेली का 200 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हो। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे वो आपसे आपका पैन कार्ड, आपका आधार मांगेंगे, आपके बैंक पासबुक का फोटोकॉपी मांगेंगे, आपके लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, एक कैंसिल चेक और आपके 2 फोटोग्राफ्स मांगेंगे। जब आपका ATM का फ्रेंचाइज अप्रूव हो जाता है तो आपको फिर एक करंट अकाउंट ओपन करना होता है उसी बैंक में जिस बैंक का आपको फ्रेंचाइज मिला है। फिर आपको 2,00,000 का DD बना के इंडिया कैश को देना होता है, और उसके साथ में एक 3,00,000 का DD भी देना होता है जो बैंक आपके ही करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है, ताकि आप उस पैसे को निकाल के ATM में कैश डिपॉजिट करें। और जैसे जैसे ATM से कैश विड्रॉ होता जाता है, वैसे वैसे ही बैंक आपके अकाउंट में पैसे डालती जाती है और आपका कमीशन भी डालती जाती है। बैंक से फ्रेंचाइज मिलने के बाद अब आपका काम होता है कि आप उस ATM रूम को सेटअप करें, मतलब कि उसकी पेंटिंग, उसकी लाइटिंग, उसकी इलेक्ट्रिकल सेटअप आप करें, वहाँ पे CCTV कैमरा लगाएं। ये सब हो जाने के बाद इंडिकैश वहाँ पर ATM मशीन लगाती है, VSAT लगाती है, बैटरी लगाती है जो 24/7 का पावर बैकअप देता है, उस जगह की ब्रांडिंग करती है, और ये सारा चीज करने के लिए वो आपसे 50,000 रुपया चार्ज करती है। ये 50,000 रुपया आपके दिए गए 2,00,000 रुपए के सिक्योरिटी डिपॉजिट से ही एडजस्ट हो जाता है, मतलब आपको ये पैसा अलग से नहीं देना है। इसके बाद इंडिकैश की टीम आपको ट्रेनिंग देती है कि इसमें कैसे पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं, और बेसिक टेक्निकल चीजें जो होती है उसकी जानकारी आपको देती है। ये सब हो जाने के बाद अब आपको अपने करंट अकाउंट से 3,00,000 रुपया निकालकर ATM मशीन में डालना होता है, और उसके बाद खुद से 3-4-5 बार टेस्ट करना पड़ता है कि ATM से प्रॉपर पैसा विड्रॉ हो रहा है कि नहीं, और बाकी नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो है वो काम कर रहे हैं कि नहीं, और इस प्रकार से आप ये फ्रेंचाइज बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ATM फ्रेंचाइज का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है, जिसमें 1 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, मतलब अगर आप 1 साल से पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं तो आपने जो डिपॉजिट दिया है वो आपको नहीं मिलता है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ATM फ्रेंचाइज से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछें।
दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।